दोस्तों आर्यन खान का जो आज मामला था कोर्ट में पेश हुआ। मुंबई के सेशन कोर्ट में आज भी नहीं मिली आर्यन खान को जमानत। जी हां दोस्तों, आज सुबह से ही ये सुनवाई का सिलसिला जारी रहा, जहां एनसीबी के अधिकारियों और प्रोसिक्यूटर यानी कि आर्यन खान के वकील ने काफ़ी कोशिशें की दलील पेश करने की, लेकिन कोर्ट का कुछ अलग ही फैसला रहा और ये हियरिंग कल के लिए टाल दी गई। अब आखिरी जो फैसला है दोस्तों 14 अक्टूबर को आएगा, यानी कि एक दिन और यहाँ पे आर्यन को जेल में ही निकालना पड़ेगा। शाहरुख खान अभी भी कोर्ट में दिखाई नहीं दिए। एनसीबी के अधिकारियों ने दोस्तों साफ तौर पे ये कहा कि आर्यन को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास जो भी प्रतिबंधित सामग्री है वो मिली है, ड्रग्स मिले हैं, और वहीं दोस्तों आर्यन का उनके साथ कनेक्शन पाया गया है, तो ये लंबी साजिश का शिकार आर्यन को बताया। जबकि दोस्तों वकील ने ये कहा, आर्यन के वकील ने, कि एक काफ़ी अच्छी हस्ती का बेटा है तो ये इंडिया से तो बाहर जा नहीं सकता, आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही, कार्रवाई होती रहेगी लेकिन जमानत मिलनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे में जज का आज का आखिरी फैसला ये रहा कि ये काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, काफ़ी बड़ी हस्ती है शाहरुख खान, तो ये सबूत भी आसानी से मिटा सकते हैं। इतना कहा तो दोस्तों यहाँ पे ये तय लग रहा है कि कल भी जमानत नहीं मिलेगी। आपको क्या कहना है दोस्तों, जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर खबर यहाँ मिले सबसे पहले।